अयोध्या आने वाले राम भक्तों और श्रद्धालुओं को मिलेगी पेइंग गेस्ट की सुविधा। पेइंग गेस्ट की सुविधा देने वाले 41 लोगों को दिया गया पंजीकृत प्रमाण पत्र। कमिश्नर गौरव दयाल ने सौंपा पंजीकृत प्रमाण पत्र। वहीं अधिकतम 5 न्यूनतम 3 कमरे सभी श्रद्धालुओं से होंगे उपलब्ध। संतोषजनक किराए से श्रद्धालुओं के मिलेंगे पेइंग गेस्ट की सुविधा। इसी माह के अंत तक 200 लोगों को मिल जाएगी पेइंग गेस्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र। आयुक्त सभाकर में कमिश्नर ने वितरण किए पंजीकरण प्रमाण पत्र। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद अशोक द्विवेदी भी देगी पेइंग गेस्ट की सुविधा। फैजाबाद के मंडलायुक्त महोदय ने एक यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ के जितने भी आवासीय घर हैं उनको पेइंग गेस्ट में तब्दील करने के लिए, उसमें बदलने के लिए, उनकी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा नगरी है अयोध्या, ऐसी पावन नगरी है राम जन्मभूमि के कारण। यहाँ पर एक लोगों में एक ऐसा सौहार्द है, एक ऐसा लोगों का विचार है कि यहाँ पर जितने भी लोग विदेश के आए या भारत के कोने कोने से जो भी लोग यहाँ पर आए राम के मंदिर को देखने के लिए, उनके जन्म स्थान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो यहाँ के लोगों से भी वो एक इमोशनल टच हो, एक भावनात्मक संबंध उनका स्थापित हो और वो यहाँ से बहुत खुश होकर के यहाँ से वापस जाएं और यहाँ के लोगों की और यहाँ के प्रशासन की वो प्रशंसा करें। पेइंग गेस्ट स्कीम होती है गवर्नमेंट की, और उसके अधीन जो ऐसे भवन हैं जहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रूम्स उपलब्ध हैं, 2-3 या 5 रूम्स उपलब्ध हैं, अधिकतम 5 रूम्स उपलब्ध हैं, तो उनको पेइंग गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए अगर वो सारे मानक पूरा कर रहा है और उसमें जिलाधिकारी के अप्रूवल के बाद उनको पेइंग गेस्ट का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, फिर वो वहाँ पर गेस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे छोटे होटल्स होते हैं उस तरह से वहाँ पर उनको सुविधाएँ दी जा सकती हैं। तो चूँकि अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या पर्यटक आएंगे और हम लोगों को यहाँ पर अकोमोडेशन की व्यवस्थाओं को सुधारना है और बढ़ोतरी की जानी है, इसलिए स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज प्रथम फेज़ में 41 लोगों को सर्टिफिकेट्स का वितरण किया गया है यहाँ पर, और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास है कि 200 पेइंग गेस्ट ऑनबोर्ड हो जाएं, और फिर जैसे जैसे जितने लोग इच्छुक होते जाएंगे और जितने भवन मानक पूरा करेंगे उन सबको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उम्मीद है कि आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर, हम लोग रहने की बेहतर सुविधाएँ। इस अयोध्या नगर के जो लोग इस योजना के अंतर्गत अपना भवन या देंगे और होम स्टे के लिए, हम लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज, जो बाहर से लोग आएंगे वो हमारे कल्चर को समझेंगे, हम उनके कल्चर को भी लेंगे अपने पास। और जो बाहर से आएगा, हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, तो मेरे लिए देवता तुल्य होगा। और जैसा कि अभी माननीय कमिश्नर साहब ने आदरणीय कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देना है और जिससे कि उनको खुश करना है कि वो पुनः जब एक बार चले जाए। जैसे हम लोग जाते हैं बाहर जाते हैं, वैष्णो देवी गए, कहीं गए तो अच्छा व्यवहार होता है, तो लौट के आते तो कहते वो होटल बहुत अच्छा, या वहाँ हम रुके तो वहाँ बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको बाहर से आए हुए अतिथि जो हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे। और हम जितने यहाँ पर 40-41 लोगों ने आज सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, सारे लोगों का हम चाहेंगे, माननीय अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि एक दूसरे के पास कॉन्टेक्ट नंबर हो। जैसा अभी माननीय कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि मान लें मेरे यहाँ कमरा उतना अच्छा नहीं है, वो और अच्छा चाह रहा है, तो हम बहन जी के यहाँ भेज देंगे, या वो बहन जी के यहाँ गया वो कह रहा हम कम में रहेंगे तो बहन जी हमारे यहाँ भेज देंगी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रहें और सबको ये सूची मिलनी चाहिए एक दूसरे की, जिससे कि हम और अच्छा सहयोग कर सकें। और हम प्रशासन का, अपने कमिश्नर साहब का, जिलाधिकारी महोदय का, इन सब का हम लोग सच्चे मन से बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा इससे, कितने लोग जो हमारे यहाँ आके काम करेंगे उनको रोज़गार मिल जाएगा और हमको भी 2 पैसा मिलेगा और हम लोग भी खुश रहेंगे। बोलिए जय श्री राम।